आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग शाम के 4 बज गए हैं और अभी मैं करूँगी खाने की तैयारी। काम मैंने मेरा निपटा लिया है, सर्दियों में काम थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करते हैं तभी हो पाता है। सानी वगैरह डालकर नहा धोकर बस अभी खाना बनाना बाकी है। और कल थी देवर्षणी 11, उसका व्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये देखिए देव तो हमारे यहाँ हम बनाते हैं, जहाँ पर चूल्हा होता है वहीं पर बनाते हैं। तो देव तो मैंने बनाए थे कच्चे रसोई में, और यहाँ पर लिखते हैं राम और सीता। ये वीडियो में तो उल्टा दिखाई दे रहा है, ये राम सीता रीतिकांत लिखे थे तो ज़्यादा बड़े बड़े लिख दिए, और ऊपर ये सीता लिखने की कोशिश की थी शांत ने। और गैर उसे लिखते हैं, सिंदूर वगैरह से नहीं लिखते हैं कभी भी। ये गैरू कल का भीगा भगा रखा है, थोड़ा सा ज्यादा भीग गया था। और अभी ये देखिए रितिका भून रही है ब्रेड घी में। वैसे घी में भुनी हुई ब्रेड खाने में बड़ी अच्छी लगती है। तो अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में, और अभी सबसे पहले तो चूल्हा जला लेते हैं। और ये देखिए अभी भी इस रसोई में बड़ी तेज की धूप है, शाम को तो दिन नहीं छिप जाता तब तक इस रसोई में सीधी धूप रहती है, और इसीलिए मैं रात का खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ, क्योंकि दिन छिपे के बाद ही मेरा खाना बनाने का काम शुरू होता है। और आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ रसमलाई, इसीलिए मैंने आज खाने की तैयारी थोड़ी सी जल्दी शुरू कर दी है। तो अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दी है मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी, तो अभी ये सुबह का 2-2.5 किलो के आसपास दूध बचता है तो वो मैंने सारा ही ले लिया। एक बार में सारा तो नहीं डाला, मैंने आधा बचा लिया है, क्योंकि ये कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है। एक बार पहले तो मैं सोच रही थी कि 1.5 किलो दूध की बना लेंगे, फिर मैंने सोचा कि नहीं बनाने ही लगे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाते हैं। तो आधा जो दूध बच गया है वो ये दूध थोड़ा सा कम होने के बाद फिर मैंने डाल लिया था। और मुझे आदत है, मैं खाने में कुछ भी बनाती हूँ तो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि घर पर बनाने का यही फायदा है कि बच्चे 2-3 बार आराम से खा लें। और अभी दूध हमारा अच्छी तरह से उबल गया है, और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दूध बचा है, क्योंकि मैंने जो बचा कर रख रखा था वो भी डाल दिया था बाद में। तो अभी इसमें मैंने चीनी डाली है, और चीनी मैंने ऐसे ही अंदाज से डाल दी है, और अभी इसमें मैं आधी चम्मच से भी थोड़ी सी कम हल्दी डाल देती हूँ। और हल्दी तो ऑप्शनल है, डालें या ना डालें, मैंने तो ऐसे ही कलर के लिए डाल दिया। केसर तो हमारे घर पर था नहीं, और फूड कलर वगैरह मैंने कुछ भी डाला नहीं है। हल्दी का दूध तो हम पीते ही, और हल्दी वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। बस एक बात का ध्यान रखें कि हल्दी को या तो दूध में मिक्स करके डालें या पानी में मिक्स करके डालें, ऐसे ना डालें। मैंने ऐसे हल्दी डाल दी थी तो छोटी छोटी गुठलियाँ ऐसी हो गई थी दूध में, पता नहीं क्यों। बाद में मैंने बड़ी मुश्किल से मिक्स की थी, या तो फिर स्टार्टिंग में ही डालनी थी हल्दी, मैंने बाद में डाली है। अभी लगभग रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अब ये देखिए रबड़ी हमारी बनकर हो गई है तैयार। अभी मैंने ये थोड़े से बादाम ले लिए हैं, और इनको कूट लेते हैं पहले। बंद रहा है ना, ना दिया वांगे फिर क्या हो गया, तो बस इब काट दूंगी मैं। तो अभी इसमें ये बादाम देख काजू आ गए की बना, और ये काजू डाल देते इतने से, बाद में डालेंगे। और अभी इसको रख देते हैं ठंडी होने के लिए फ्रिज में। हाँ
तो अब रबड़ी को तो मैंने रख दिया है फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और अभी दूध निकाल लेते हैं। अभी माँ और रितिका की भाभी है जो हमारे यहाँ से दूध लेकर जाती हैं। उम्र में तो काफ़ी बड़ी हैं पर हमारा नाता उनसे थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, तो इसीलिए भाभी लगती हैं। और गांव में ऐसा नहीं है कि किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, उम्र के हिसाब से लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, किसी का नाता बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। जैसे कि मेरी उम्र बहुत कम है लेकिन फिर भी लगभग सब दादी बोलते हैं या फिर चाची बोलते हैं, तो गांव में ऐसे ही बोला जाता है। शहर में तो सब अंकल आंटी ऐसे बोल देते हैं, पर गांव में तो जो नाता है वो नाता है। और वैसे देखा जाए तो गांव की यही पहचान होती है कि सबको नाते के हिसाब से बोलना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया। तो अभी दूध निकाल कर मैंने चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए, और अभी मिर्च बना लेते हैं। तो मिर्च बनाने के लिए मैंने ये सौंफ, राई, लहसुन वगैरह जो मसाले हम सिलबट्टे पर पीसते हैं वो तो मैं सिलबट्टे पर पीस कर लेकर आई हूँ। और अभी इसमें मैंने हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक मिक्स कर लिया है, और 1 चम्मच सरसों का तेल डालूंगी मैं ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बिखरा बिखरा सा ना रहे। और उसके बाद फिर भरकर हरी मिर्च बनाने वाली हूँ आज मैं। और पहले तो हमारे यहाँ हम बहुत ज़्यादा बनाते थे, अभी बहुत कम बनाने लगी हूँ मैं। अभी तो बनाती हूँ तो सिंपल नमक लगा कर फ्राई करती हूँ, ये राई वगैरह भरकर बहुत कम बनाते हैं, पहले बहुत ज़्यादा बनती थी। क्योंकि पहले हम खेत में रहते थे तो सब्जी वगैरह लेकर जाते, तो मिर्च थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेकर जाते थे, घर में कोई भी सब्जी नहीं होती, तो ये राई वगैरह का जो हमारे यहाँ मसाला तैयार किया जाता है ये मसाला भरकर मिर्च बना लेते थे, या फिर खेत की सब्जी ज़्यादा बनती थी। और वैसे हमारे घर में तीखा थोड़ा सा ज़्यादा ही खाया जाता है, इसीलिए मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा बनती हैं। तो अभी मिर्च मैंने भरकर तैयार कर ली थी, और अभी मैंने ये 2 चम्मच के आसपास सरसों का तेल गरम किया है और उसमें 1 चम्मच जीरा डाला था। और अभी इन मिर्चों को एक बार हल्की सी फ्राई कर लेते हैं, और उसके बाद फिर बिल्कुल धीमी आंच पर 7-8 मिनट के लिए पका लेंगे ढककर, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही तेल में पकाते हैं। और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बड़ी अच्छी लगती हैं। 2-3 दिन के लिए तो इन्हें हम आराम से स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये देखिए अभी मिर्च हमारी बनकर तैयार हो गई। तो अभी ये देखिए रबड़ी हमारी अच्छी तरह से ठंडी होने के बाद कलर कुछ ऐसा आया है। एक बार मैंने उठाकर रखी तब तो मैं सोच रही थी कि कलर कुछ अच्छा नहीं आया, पर ठंडी होने के बाद अपने आप यह बिल्कुल पीली हो गई है। और ब्रेड मैंने ली है जो बड़ी ब्रेड आती हैं वो, 1 पैकेट पहले मैंने मंगवाया था जो छोटी ब्रेड होती हैं वो, फिर वो मैंने कट करके देखा था तो वो बिल्कुल छोटी छोटी टिक्की बनी थी, तो फिर मैंने वो पैकेट तो उठा कर रख दिया। बाकी उसमें से आधा पैकेट तो इन दोनों बहन भाई ने तवे पर भून कर खा ही लिया, आधा बचा हुआ है उसका कुछ और बना लेंगे। और अभी गिलास से झटपट मैं टिक्कियाँ कट कर लेती हूँ क्योंकि ईशान तो बहुत देर से इंतजार कर रहा है कि कब रबड़ी ठंडी हो और कब मम्मी रस मलाई बनाकर तैयार करें। देखिए ब्रेड मैंने सारी कट कर ली हैं, तो चलिए अभी प्लेट तैयार कर लेते हैं। और थोड़े थोड़े मैंने काजू और बादाम कूट लिए हैं, ऐसे पीसे नहीं हैं। तो अभी सबसे पहले तो रबड़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद फिर एक टुकड़ा लिया है मैंने ब्रेड का, एक साथ सारे नहीं डालेंगे, पहले एक
पीस अच्छी तरह से रबड़ी में डुबोकर और साथ साथ बाहर निकाल लेंगे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ब्रेड बिल्कुल नरम होती है, ज़्यादा देर के लिए छोड़ देते हैं तो फिर टूट जाती है। आप चाहे तो इसको हल्की सी घी में फ्राई भी कर सकते हैं या फिर तवे पर गर्म भी कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी और खाने में बहुत ही अच्छी बनी थी। तो अभी ब्रेड को एक बार रबड़ी में डुबोने के बाद बाहर निकाल कर ऊपर से थोड़ी सी रबड़ी और डाल दी है मैंने, और ऊपर से डाल दिया है अभी काजू और बादाम। तो अभी रस मलाई की प्लेट हमारी हो गई है तैयार, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और खाने में बहुत ही अच्छी बनी थी, जो हम छेना बनाकर रस मलाई बनाते हैं उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, बस रबड़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और वैसे भी ब्रेड की हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो खाने में अच्छी ही लगती है, मुझे तो ब्रेड के पकौड़े वगैरह ये सब भी खाने में बहुत ही अच्छे लगते। तो एक प्लेट और मैंने बनाकर तैयार कर दी है, ये देखिए। तो चलिए अभी मैं बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ और आप सब वीडियो में बने रहिए। तो अभी लगभग 9:30 बज गए हैं और काम मेरा सारा निपट गया है। अभी बस मैं और रितिका, हम दोनों माँ बेटी हैं घर पर। रितिका के पापा तो आज खाना खाने के बाद गए हैं घूमने, नहीं तो हर रोज़ पहले चले जाते थे, इस टाइम तक आ जाते थे 9:30 बजे तक। आज खाना खाने के बाद गए हैं तो थोड़ा सा लेट आएंगे। और अरुण और ईशांत चले गए हैं रितिका के ताऊ के यहाँ, आज इसकी ताई नहीं है तो बस वहीं पर सोने वाले, माँ पहले ही चली गई थी। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर खत्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रसमलाई तो खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी, एक बार आप सब भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इजी रेसिपी है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, खाने में भी अच्छी होनी चाहिए और जल्दी भी बन जाए। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम।